कनाडा भारत के बीच तानातानी का असर अब दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में भी दिखने लगा है। जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्तों में खटास आई है, वहीं अब इसका असर आयात और निर्यात में दिख रहा है। आपको बता दें कि कनाडा भारत को मसूर दाल सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच जारी तनाव में मसूर दाल के व्यापार का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया है। वहीं इस स्थिति को देखते हुए व्यापारियों में डर है कि कहीं इसका असर व्यापार में नहीं देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक खटास आती है तो ऐसे में ज्यादा टैरिफ लग सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई भी प्रतिबंध दोनों देशों के बीच नहीं लगा है। 2022 से लेकर 2023 के बीच भारत ने कनाडा से कुल 4.85 लाख मैट्रिक टन मसूर दाल की खरीद की है। भारत कनाडा के लिए एक बड़ा बाजार। वहीं कनाडा की बात की जाए तो भारत व्यापार के हिसाब से कनाडा के लिए एक बड़ा बाजार है। पिछले साल कनाडा भारत का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। आपको बता दें कि कनाडा सबसे बड़ा उत्पादक मटर का है, जिसको बड़े मात्रा में भारत को सप्लाई करता है। इसके साथ ही न्यूज प्रिंट, एस्बेस्टस, वुड पल्प, आयरन स्क्रैप, पोटास, इंडस्ट्रियल केमिकल और खनिज भी भारत निर्यात करता है। भारत पर क्या होगा असर? अगर दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद आती है तो इसका असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि कनाडा भारत को मसूर दाल सबसे ज्यादा निर्यात करता है। ऐसे में इसका असर भारत के बाजारों पर पड़ेगा। भारत में पिछले दिनों ही दलहन की महंगाई दर 13% से ज्यादा है, यानी पहले से भारत में दाल की कीमत ज्यादा है और देश में त्योहार का सीजन भी चल रहा है, तो कहा जा सकता है कि अगर मसूर दाल की आपूर्ति कम होती है तो इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। कनाडा ने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से वापस बुलाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों ही देशों के बीच फिलहाल राजनयिक तनाव काफी बढ़ चुका है। कुछ दिन पहले ही कनाडा ने भारत से 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था, क्योंकि भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि अगर कनाडा तय सीमा से पहले अपने डिप्लोमेट्स को वापस नहीं बुलाता तो इन सभी राजनयिक को भारत में रह रहे उनकी राजनयिक छूट को खत्म कर दी जाएगी।